In this video, we will cover how to detect using JavaScript browser has been closed or tab has been closed. यहाँ पे suppose आपने एक application बनाया है, इसमें आपको check करना है कि जो user है वो आपकी application को use कर रहा है और logout time को आपको track करना है, लेकिन उसने logout किया ही नहीं, उसने direct क्या किया कि browser को या जो tab है उसको ही close कर दिया। उस case में क्या होगा कि logout जो event है वो fire नहीं होगा और आपको logout का जो date time है वो मिल नहीं पाएगा। इस case के लिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे इस चीज़ों को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि जब भी यूजर जो है आपके एप्लीकेशन पे गया और बिना अगर लॉगआउट किए हुए उसने टोटली ब्राउजर को क्लोज कर दिया या फिर उसने टैब ही क्लोज कर दिया, तो उस केस में उसका जो जब उसने क्लोज किया था तो उसका लास्ट टाइम क्या था उसको हम लोग को ट्रैक करना है। तो जो है उसमें क्या होगा कि एक प्रोजेक्ट में मैं PHP यूज कर रहा हूँ और PHP में हम लोग HTML और JavaScript को यूज करेंगे। तो जब भी यूजर क्लोज करेगा या फिर जब भी लोड करेगा तो उसको हम लोग देख सकते हैं एंड वी ऑल्सो गेट टू नो हाउ मेनी टैब्स यूजर हैज बीन ओपन इन द ब्राउजर। ओके, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे, कल इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इस चीज़ों को हम लोग अचीव कर पाएंगे। अभी आ गए हैं हम लोग अपने, तो अभी आ गया हूँ मैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग अभी कोड को देखते हैं। तो मैंने ना ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड कर लिया था, सो जस्ट आई विल शो यू द कोड एंड हाउ इट इज़ वर्किंग। सो लेट्स फर्स्ट सी हाउ इट इज़ द वर्किंग। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ। तो आई हैव क्रिएटेड हियर द 3 फाइल्स। सो एज आई सेड यू आई हैव क्रिएटेड ए PHP फाइल, इन PHP इनसाइड द PHP आई हैव एडेड द JavaScript। सो इट्स जस्ट ए फाइल एक्सटेंशन एज ए PHP.php, लेकिन यहाँ पे बाकी जो सारा काम है वो है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। बिकॉज आई हैव क्रिएटेड हियर ए PHP बिकॉज आई हैव टू ट्रैक द टाइम्स। सो वी नो दैट इन जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड वी कांट रीड एंड राइट फाइल्स, दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड हियर PHP फाइल। सो PHP विल दिस जावास्क्रिप्ट आई एम यूजिंग हियर द एजेक्स क्या करेगा कि सेंड करेगा PHP को डेटा और PHP इसको राइट को यहाँ पे राइट कर लेगा। जस्ट फॉर द एग्जांपल आई हैव गिवन हियर। ओके, सो नाउ लेट्स रन दिस फाइल एंड हाउ इट इज द आउटपुट इज वर्किंग। सो लेट्स सी दिस। सो आई विल ओपन इनटू द न्यू टैब एंड हियर आई विल जस्ट गो टू द लोकल होस्ट एंड आई विल क्लिक द प्रोजेक्ट वेयर आई हैव क्रिएटेड दिस फैसिलिटी। So I will create here the track. In track you can see if I will show you the inspect. So here you can see the one means only one tab I have opened here. Okay. If I will go to the if I will make this duplicate tab. So you can see here it will show you to 0 to 1. Okay. So here it is showing 1. Again if I will make the another duplicate. So it will show here the 2. So 0, 1, 2. Okay, so if I will close this tab or close this window, then I have to track the what is the time it has been the closed. Okay, तो यहाँ पे जैसे track time आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, but when I will close this tab, okay, so it should be shown here. Okay. But it is not showing because I have counted added here a count. So if the count equal to 0, मतलब कि यहाँ पे जब भी ये tab 1 होगा, मतलब last वाला tab, whenever the last tab will be there, then only it will track this time here. Okay. So let's close this also. If I will close this also, it will not show any track time here. But whenever I will close the this tab, then you can see here the it is taking the time, last close time is this Friday August 16, 2022. This is the today time and the today date you can see this here the 8:41 a.m. so it is showing the 8:41 a.m. okay, as Indian standard time, so it is showing this. अभी मुझे यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पे मुझे चाहिए कि ये हर एक टैब में ये काम करे। So just we need to if we remove this and in conditional statement and again if I will open into here in my browser, so I will open into the incognito mode.
सो लोकल होस्ट ट्रैक ओके। अभी यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो जब भी मैं क्लोज जब भी मैं जिस टैब को भी क्लोज करूँगा तो टैब को ट्रैक करना ये शुरू कर देगा। सो आई हैव ओपन हियर द फोर टैब एंड यू कैन सी इन द टैब लास्ट टैब इंस्पेक्ट, सो यू कैन सी इट इज शोइंग द 3। सो आई हैव ओपन हियर द टोटल 4 टैब मीन्स 0, 1, 2, 3 ओके राइट। सो देयर इज ए टोटल 4 टैब। So I will close here one by one and let's see in this file track time it is showing or not. So I will close first one and you can see here it is showing the this time last one. So 8:43, so 8:42 it is showing, that is correct. If I will remove all and again I will close the next one, तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कि ये आ गया है 8:03 में। तो मतलब कि हर एक टैब को भी यहाँ पे ये काम कर रहा है राइट। अगेन आई विल क्लोज दिस एंड आई विल चेक हियर, सो आई विल क्लोज द ऑल टैब एंड यू कैन सी इट इज ट्रैकिंग द लास्ट टाइम आल्सो। सो जब तक आपका एप्लीकेशन अप है, जब तक आपका एप्लीकेशन अप है तब तक ये ट्रैक करते रहेगा। लेकिन अगर आपने केवल ब्राउजर को ओपन किया और ब्राउजर को ओपन कर लिया यहाँ पे और ब्राउजर को जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं तब तक ये हिट नहीं करेगा, बिकॉज कि आपका एप्लीकेशन वहाँ पे रन होना चाहिए। योर एप्लीकेशन विल रन देन ओनली इट विल ट्रैक। इफ़ यू जस्ट ओपन योर ब्राउजर देन इट विल नॉट ट्रैक राइट, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग द एप्लीकेशन। व्हाट एप्लीकेशन विल ट्रैक द दिस टाइम राइट। सो जस्ट ओपनिंग ए ब्राउजर इट विल नॉट वर्क एंड जस्ट ओपनिंग ब्राउजर एंड क्लोजिंग इट विल नॉट वर्क। यू नीड टू रन एटलीस्ट एप्लीकेशन देन ओनली इट विल ट्रैक। सो अगेन इफ आई विल शो द कोड, व्हाट इज द कोड इन साइड द इंडेक्स डॉट पी एच पी, द मेन फाइल इज द इंडेक्स डॉट पी एच पी ओनली। सो आई हैव रिटन हियर द जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल। सो दिस इज द बेसिक एचटीएमएल आई हैव क्रिएटेड हियर द इंडेक्स एंड एचटीएमएल। सो मेन पार्ट इज दिस वन, window.add event listener and window.add dimensional load. So I'm checking here if the window will load then this function will fire, check time difference right. So this will nothing do, this will only track the time, what were the last time and what were the current time, it will check that only. So जब भी आप यहाँ पर load करते हैं तो it will check एक जो लोकल स्टोरेज जिसमें मैंने एक क्लोज टाइम को स्टोर करके रखा है। तो जब आप जब भी ब्राउजर को ओपन करेगा यूजर तभी वो देखेगा कि ओके दिस इज द लास्ट टाइम जो लोकल स्टोरेज में स्टोर हुआ था वो टाइम उसको दिखाएगा यहाँ पे। उसके बाद जस्ट उसको चेक करता है यहाँ पे और टाइम डिफरेंस लगा के यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट करा दिया है। तो जब भी आप पेज को ओपन करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे दिख जाता है ओके। The next thing, when you are trying to close your tab or window, tab or browser, then this function will fire. This save time before unload. I am calling as the before unload. Using before unload, I am firing as the save time. Okay. So now in the save time, you can see here what I am doing here. So in save time, I am just taking the current time. So this is the current time and update we will talk about this later. So first यहाँ पे current time ले लिया और current time को लेके ये close time में store कर दिया जो कि यहाँ पे हम लोग get कर रहे थे, यहाँ पे check में यहाँ पे हम लोग जो इसको get कर रहे थे। तो यहाँ पे current time लिया जब भी इसको close कर रहा है और उसके बाद इसको यहाँ पे ये save कर दिया। And again after PHP means यहाँ पे मैं track time में इसको write कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए अभी यहाँ पे मुझे कोई एक डेटा चाहिए, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया। आई हैव क्रिएटेड हियर ऑब्जेक्ट नेम इज डेटा एंड इन द लास्ट टाइम आई हैव स्टोरेड हियर द लास्ट टाइम इनटू द स्ट्रिंग एंड हियर आई एम चेकिंग द काउंट मींस हाउ मेनी टैब्स आर ओपन। सो इफ टैब्स आर ओपन 5 or 3 एंड आई वॉन्ट टू ट्रैक विद इफ द 2 टैब इज देयर देन ओनली आई ट्रैक और 1 टैब इज देयर देन ओनली आई नीड टू ट्रैक। सो वी कैन यूज दिस ओके और उसके बाद जस्ट यहाँ पे मैंने एक एजेक्स कॉल किया है जो कि सेव टाइम जो टाइम को सेव है उसके लिए यूज करेगा। सो वेन एवर दिस फंक्शन विल कॉल इट विल स्टोर दिस करंट टाइम इनटू दिस स्टोरेज लोकल स्टोरेज एंड द की नेम इज क्लोज टाइम
and it will call the this PHP file savetime.php. So inside savetime.php you can see here, if you understood the PHP language and if you want to Java or if you want whatever language you want to, you can use that file. Okay, and if you are using JavaScript, so you know about the Ajax part. So with the Ajax you can call any type of programming language, right? So I have called here the PHP for only for the write the time into this file. So यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया था जो कि टाइम ट्रैक यहाँ पे दिख रहा है आपको, और डेटा जो कि मैंने यहाँ से जो डेटा आ रहा है पोस्ट मेथड में उसको मैंने यहाँ पे गेट किया है. एंड अगेन आई हैव इनकोडेड हियर द डिकोडेड हियर द जेसन बिकॉज डेटा इज कमिंग इनटू द स्ट्रिंग, सो आई हैव टू मेक इनटू द एरे. एंड हियर आई एम चेकिंग हियर विद द टाइम डेटा इज नॉट नल, सो इफ इट इज नल देन इट विल राइट द फाइल टू डिकोड द जेसन डेटा, और जेसन विल बी एम्प्टी or null. Okay, so that's why I have checking here. And here I have created a last log, so if the time is there, so it will write this time and put this file here, so it is showing here. Okay, now the next part is the update tab content. So initially whenever page will load, it will call this function and send a data as one. Okay, so when the page will load, it will add here, and I have created here some variables like count. So initially you can see here the tab count is there and the count limit is there. So only for this, as you can see this example limit for the debugging purpose only. Okay, and the key name I have created here the tab count. So initially it will call this update tab count. So and here you can see this also, it's the local storage already. The tab count I have stored, then only it will check and it will increment one more. Otherwise, if the value is zero, then it will add 0 plus 1, or if already one tab is there, then 1 plus 1 equal to 2. Okay, and next I have stored, I will store here. So local storage set time and limit and count is there. और उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्पेचर मैंने लगा दिया है, और जस्ट ये डिबगिंग पर्पज़ के लिए मैंने लगाया है कि जो कि आपको दिख रहा है वहाँ पे जब भी हम लोग पेज को लोड कर रहे हैं, दैट टाइम यू कैन सी दिस काउंट, राइट. एंड अगेन हियर आई कैन चेक द काउंट इज देयर. एंड इफ सपोज टैब इज क्लोजिंग, इफ वन टैब इज क्लोज एंड अनदर टैब इज क्लोज, और यू हैव ओपन द 5 tab एंड वन बाई वन यू आर क्लोजिंग, दैट टाइम यू हैव टू डिक्रीज द काउंट, राइट. सो आई हैव यूज हियर, आई एम यूजिंग हियर अपडेट टैब काउंट. सो इन सेव टाइम मीन्स हम लोग कॉल तभी कर रहे हैं जबकि हम लोग को जो डेटा है उसको हम लोग को अभी टैब क्लोज हो रहा है या फिर विंडो क्लोज हो रहा है, दैट टाइम वी आर क्लोजिंग दिस. सो अपडेट टैब काउंट, सो हियर आई एम गिविंग द -1 and this will call and it will decrease the count, right. And here we can check if the count is equal to 1, then only we need to track this time. If the count equal to 2 or more, then only we need to call this PHP file to track the time. So जो भी हम लोग चाहते थे वो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि इसका यूज, जैसे कि मैंने बोला कि पंच इन पंच आउट में हम लोग कर सकते हैं. व्हेन द यूजर विल लॉग इन, सपोज यूजर विल लॉग इन 9 to 10 एंड एट द 10 ही विल क्लोज द ब्राउजर, देन वी हैव टू द लॉग आउट टाइम. एंड अगेन इफ यूजर विल लॉग इन एट द 5 PM, सो लॉग इन टाइम ऑलरेडी वी हैव, बट व्हेन द यूजर विल यूज आवर एप्लीकेशन एट द 10 फॉर 10 मिनट्स ओनली एंड यू विल क्लोज द ब्राउजर और टैब्स, देन ऑल्सो वी हैव टू द न्यू लॉग आउट टाइम इक्वल टू दिस. ओके, सो जब भी ब्राउजर ओपन करेगा और क्लोज करेगा तब भी आपका जो लॉग आउट टाइम है वो ऑलवेज यहाँ पे रहेगा. ऐसा नहीं है कि आपका लॉग आउट करने के बाद टाइम जो है वो एम्प्टी रहेगा. सो व्हेन एवर यूजर विल क्लोज द लास्ट टैब, इट विल अपडेट द लॉग आउट टाइम. ओके, सो आई विल अपलोड दिस कोड इन टू माई वेबसाइट. इफ यू नीड टू डाउनलोड देन यू कैन गो एंड डाउनलोड दिस होल कोड, मीन्स होल प्रोजेक्ट.
And if you want to use in your project, you can use just here the HTML or JavaScript. JavaScript is the enough, and you have to call this Ajax part only. So if you want to write the file or you want to update your database in your database,